करना सिखाता हूँ। तो सब इसके लिए हम सबसे पहले अपना पेटीएम अकाउंट खोलेंगे, जैसा कि मेरा पेटीएम अकाउंट यहाँ पे है। और देखेंगे कि इसमें पैसे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अकाउंट में पैसे सेंड करने के लिए हम पहले इसमें पैसे ऐड करेंगे। डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन सेफ भी ये रहता है कि हमेशा पहले अपने पेटीएम अकाउंट में पैसे ऐड करो, उसके बाद ट्रांसफ़र करो। तो जैसे कि मैं अभी, मेरे को ज़रूरत है 6900 एड मनी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी मेरे कार्ड सेव हैं, तो मैं किसी कार्ड जिसमें मेरे पैसे हैं जिस अकाउंट में, उसमें चूज करके पैसे ऐड कर लूँगा। जैसे कि मेरे इस अकाउंट में पैसे हैं और इसका सीवी भी है और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये OTP मांग रहा है, जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो हम अपना OTP देख लेंगे। तो फाइव नाइन फाइव फोर सेवन एट, जैसे कि हमारा 5954 7 8 OTP है और हम इसको मेक पेमेंट कर देंगे। और ये देखिए हमारे इस तरीके से यहाँ पे 6900 पैसे ऐड हो चुके हैं और ये हमारे पास इस तरीके से मैसेज भी आ चुका है। तो अब हम इनको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी अन्य शुल्क के, तो चलिए हम इनको बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैंक पे, क्लिक करना होगा। और ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफ़र, हमें इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे हमको अपना अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर्स नेम और IFSC कोड डालना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे अकाउंट सेव हैं, तो मैं कोई एक ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया है और इसमें मैं अपने पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। और अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद इसमें पैसे इंटर कर देंगे जितने हमको सेंड करने हैं, और उसके बाद नीचे जाके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये बोल रहा है 100 और 500, मैक्सिमम 500 तक कर सकते हैं, इसीलिए हम एक बार में 500 5000 ले लेंगे। तो देखो अपना फीस 0.00 आ रहा है और नेट पेबल अमाउंट 5000 आ रहा है। इस तरीके से हम अपना विदाउट किसी एनी चार्ज के हम अपना पैसा बैंक में सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो पेटीएम के थ्रू। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं। और ये देखिए ये कंफर्म करने की बोल रहा है और हम प्रोसीड कर देते हैं। और ये देखिए रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, और ये हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है और यहाँ पे ये सेंड हो चुका है और अपने पास एक देखो मैसेज भी आ चुका है। तो इस तरीके से हम